है 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और उसके बावजूद भी राजनीतिक कार्यक्रम लगातार चल रहा है और आप उनमें शिरकत कर रहे हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर पे हमारे सतपाल राजादा जी, जो जिनको कि लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है, उनको वोट डालने की अपील के लिए जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं प्रशांत जी का आभारी हूं कि इन्होंने युवा कांग्रेस के सब लोगों को इकट्ठा किया और लगातार यूथ के बहुत अच्छे कार्यक्रम आप करते भी आए हैं और कर भी रहे हैं। और दो बातों को लेके युवाओं में बहुत भारी आक्रोश है। एक आक्रोश है जो भाजपा के लोगों ने हिमाचल प्रदेश की एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची। आपने 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन सत्ता के भूखे लोगों ने एक प्रयास किया और यहां पे ऑपरेशन लोटस जो है करने की कोशिश की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस जो है विफल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि भाजपा जितनी मर्जी ताकत लगा ले, हम अगले 45 महीने इस प्रदेश में राज करेंगे। जितनी मर्जी ताकत वो लगा लें, लगा ली उन्होंने, एक राज्यसभा हासिल की, लेकिन 9 एमएलए जो है बेघर कर दिए, 6 का चुनाव हो रहा है। उन 6 ने सोचा था जब उन्होंने बीजेपी को वोट डाला था तो उनके मन में था कि हमने बीजेपी को वोट डाल दिया, अगले दिन हम मंत्री बन जाएंगे, सरकार बदल जाएगी और हम झंडियां लगा के घूमेंगे। लेकिन उन्होंने शायद ये कल्पना भी नहीं की थी कि झंडियां तो एक तरफ रही, आप विधानसभा की चौखट भी अगले दिन से एंटर नहीं कर पाओगे। अगले दिन विधानसभा में आए और विधानसभा प्रशासन ने कहा कि जी आपकी एंट्री जो है आपके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, आप विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम करेंगे, हम अदालत में जाएंगे, देश की सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो दरवाजे आपके लिए बंद हुए हैं वो उसकी चाबी हमारे पास नहीं है खोलने की, उसकी चाबी स्पीकर के पास ही है, आप वहीं पे जाइए। फिर सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेके फिर शिमला आ गए और चुनाव घोषित हो गए। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया कि मैंने इनको विधानसभा से निकाल दिया है, इन सीटों पर नए चुनाव कराए जाए। अब जब चुनाव हो रहे हैं तो ये सोचते थे कि यहां पे कोई लहर होगी, मोदी लहर होगी, कोई और लहर होगी, लेकिन जब अब इनको पता लगा कि ये उल्टी लहर की कहर हो रही है,
जिस भी दरवाजे पे ये जा रहे हैं वो लोग दरवाजा खोलते हैं, इनकी शक्ल देखते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। एमएलए बनना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जिन्होंने हाथ में आए एमएलए शिप को ठुकराया वो द्वारा विधानसभा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आपने देख लेना है। छह का हशर आप देख रहे हैं, बाकी जो तीन है और 5-7-10 दिन में के अंदर जो है वो भी पूर्व हो जाएंगे, वो भी पूर्व हो जाएंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता इन सबको अपूर्व बना देगी। इनके लिए अब विधानसभा के दरवाजे जो है मान लो बंद हो गए हैं, नए चेहरे जाएंगे, नए लोग जाएंगे, तो सरकार गिराने का जो प्रयास हुआ उसको लेके एक बहुत बड़ा आक्रोश हमारे युवाओं में है। वो इसलिए है क्योंकि ये सरकार आपको नौकरियां देने की कोशिश कर रही थी। हमने 25,000 नौकरियां ईजाद की, 25,000 नौकरियों में 10,000 तो मेरे जल शक्ति विभाग की नौकरियां हैं। अभी आपके बच्चे 166 बच्चे आपके नौकरियां लगे हैं, किसी के तो किसी का तो बच्चा होगा जो नौकरी लगाए। अभी जून जुलाई में जो भर्ती हो रही है उसमें 150 पोस्टें फिर बच्चे लगेंगे, वो भी आपके ही बच्चे होंगे। जो लगे वो भी आपके बच्चे थे, जो छूट गए वो अगली भर्ती में लग जाएंगे और फिर एक तीसरी भर्ती फिर आ रही है। पुलिस की भर्ती बड़े पैमाने पे पुलिस में भर्ती हो रही है। पथ परिवहन निगम HRTC में 350 ड्राइवर रखे जा रहे हैं, 300 कंडक्टर रखे जा रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड रखे जा रहे हैं। आपने देखा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर नौकरियां किसी को दी है तो वो कांग्रेस की सरकार ने दी। हमने PTA टीचर लगाए, आज वो रेगुलर हो गए। हमने SMC टीचर लगाए, वो रेगुलर हो गए। हमने माइनिंग गार्ड लगाए, आज वो रेगुलर हो गए। हमने फॉरेस्ट गार्ड लगाए, वो रेगुलर हो गए। ये भी जो आपके हमने अभी पानी विभाग में लोग लगाए हैं, ये विभागीय भर्ती है, कोई ठेकेदार की भर्ती नहीं है। ये सब रेगुलर होंगे और पेंशन पर जाएंगे। और पेंशन का अधिकार किसने दिया हिमाचल प्रदेश में? वो कांग्रेस की सरकार ने दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने दी, जिसको कि मोदी जी ने इनकार कर दिया नहीं दी जा सकती, जयराम जी ने इनकार कर दिया नहीं दी जा सकती। हमने कहा था कि हम देंगे, हम आपको नौकरी भी देंगे, हम आपको पेंशन भी देंगे और जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आपको पेंशन का अधिकार देंगे। तो इसलिए नौकरियां लग रही हैं। तो जो युवाओं में आक्रोश है सरकार के खिलाफ, जो तोड़ने की साजिश हुई, इस सरकार को तोड़ने की जो साजिश हुई, जो आक्रोश है आपके दिल में, वो अब चुनाव में जो है निकल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है, अगर आप अपना मन बना के सब लोग वोटिंग करेंगे तो सतपाल रजादा जो है सीधे दिल्ली दरबार में पहुंचेंगे। हमारे जिला के हैं, अपने जिले का MP बनाना चाहते हैं कि आप नहीं बनाना चाहते? लगातार पिछले 15-16 साल से दूसरे जिला से MP बन रहा है। हमने पहले भी जब मेजर जनरल विक्रम सिंह जी को टिकट दिया था ऊना से, तो उन्होंने प्रेम कुमार धूमल जी को हराया था। और इस दफा हमने सतपाल रजादा जी को टिकट दिया है, इस दफा ये अनुराग ठाकुर जी को क्या करेंगे? और सतपाल रजादा आपको मालूम है जनूनी आदमी है, दबंग आदमी है, पूरी ताकत से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन आप जो हरोली के युवा हैं, हरोली के लोग हैं, आपसे मेरा ये आग्रह है, रिकॉर्ड तोड़ लीड दें। यहां पे कुछ लोग आते हैं, ये मीटिंगें इसलिए करनी पड़ रही हैं कि कुछ लोग आपके पास आते हैं और वो कहते हैं
कि आपने मुकेश की वोट तो मुकेश को दे दी थी विधानसभा में, लेकिन ये वोट हमें दे देना, ये वोट मुकेश की नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वोट भी मुकेश की वोट है, ये वोट भी आपने मुकेश अग्निहोत्री के मुंह को डालनी है, ये वोट भी जो है जब आप सतपाल रजादा को डालेंगे, हाथ के निशान पे डालेंगे, तो ये वोट भी मुझे पहुंचेगी। इसलिए इनके झांसे में नहीं आना। कुछ नहीं किया इन्होंने हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। आप बताओ क्या हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी विकास का मॉडल बन रही है कि नहीं बन रही है? विकास का मॉडल बन रही है कि नहीं बन रही है? मैं बड़ा हैरान होता हूं, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैं जब जाता हूं, जब वहां पे बात होती है कि ये फलां चीज बनाई गई, कांग्रेस सरकार ने बनाई, दूसरे कहते हैं कि हमने ये बनाया। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो उनसे बहुत आगे है, किसी भी फील्ड में बात कर लो आप। युवाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। जब मैं एमएलए बना था तो उस समय सिर्फ 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते थे यहां पे, आज कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल है? 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी कॉलेज नहीं था। आज कितने डिग्री कॉलेज हैं? 3 डिग्री कॉलेज हैं, बीटन में डिग्री कॉलेज, हरोली में डिग्री कॉलेज, खड में डिग्री कॉलेज। 5 साल बीजेपी का राज रहा, लेकिन हरोली के डिग्री कॉलेज का काम नहीं शुरू हो सका। अब आप देख रहे हैं कि किस रफ्तार से गगनचुंबी जो है इमारत बन रही है। यहां पे लॉ कॉलेज बनाया तो हमने बनाया, लोग वकील बनने लगे। नर्सिंग कॉलेज बनाया तो हमने बनाया, तो लड़कियां नर्सें बनने लगी। सेंट्रल स्कूल खोला तो हमने खोला, स्लो में सेंट्रल स्कूल खोला। आज मैं देखता हूं कि उसकी एडमिशन के लिए मारामारी चल रही है, और बीजेपी वाले कुछ लोगों को इसी बहकावे में अपने साथ जोड़ रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा जो है हम जो है उसको सीट दिलवा देते हैं एमपी की। अरे एमपी तो तब सीट दे रहा है जब मुकेश अग्निहोत्री ने सेंट्रल स्कूल खोला। सेंट्रल स्कूल किसने खोला? मुकेश अग्निहोत्री ने खोला, किसी का योगदान नहीं है। ट्रिपल आईटी किसने खोली? मैं सुन रहा था अनुराग ठाकुर जी का कि हमने ट्रिपल आईटी खोल दी। अरे आप तो स्लो में ट्रिपल आईटी खोलने के विरोधी थे, आपने अखबारों में बयान दिया, आप तो कहीं और ट्रिपल आईटी ले जाना चाहते थे। ट्रिपल आईटी की घोषणा मनमोहन सिंह जी ने की थी, और उसको यहां पे लाने के लिए जो है जो जद्दोजहद हुई, उसके लिए जमीन जो है स्लो में हमने उपलब्ध करवाई, आपका कोई योगदान नहीं है। उस ट्रिपल आईटी के लिए 20 करोड़ रुपया मुकेश अग्निहोत्री ने उपलब्ध करवाया, तब जो है उसका काम शुरू हुआ। दूसरे के गोदाम का माल बेचना चाहते हैं, अपनी दुकान खाली है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने पालकमा में बढ़ा के तैयार किया, अब हमारा ट्रिपल आईटी के साथ नेगोशिएशन हुआ है, उनके साथ समझौता हुआ है, वहां पे हर साल बच्चे ट्रेंड हुआ करेंगे। 25 करोड़ रुपया हमने लगाया, तब वो संस्थान बना। आज जो सरकार बनने के बाद इस दफा हमने ऑडिटोरियम पालकवा में बढ़ाया, वो चंडीगढ़ में था ऑडिटोरियम, उसको उठा के लाए और हमने पालकवा में बना के तैयार कर दिया रिकॉर्ड टाइम में। हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, कि खासतौर पे किसी भाजपाई की तो वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जनता जानती है कि काम किसने किया है। आप लोग जानते हैं हमने जो पत्थर लगाए हैं आपके दिलों पे लगाए हैं, आपका दिल पता, आपको पता है कि विकास कैसे हुआ। हरोली से रामपुर पुल हमने बनाया, सबसे लंबा पुल है हिमाचल का, सबसे लंबा पुल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। 5 साल ये रहे, रंग नहीं करवा सके, और बिना रंग कराए उस पुल के पुल पर जो है ये
पत्थर लगा के चले गए। अब आप जाते होंगे और अब आप उस पुल को देखते होंगे कि कैसा पुल है, पूरी तरह झिलमिल झिलमिल कर रहा है, ऊपर भी लाइटें लगी हैं, नीचे भी लाइटें लगी हैं, स्पीड के रडार लगे हैं, टेलीविजन लग रहे हैं, रेन शेल्टर जो है जो अंग्रेजों ने शिमला में बनाए थे, अंग्रेजों ने तो शिमला में एक बनाया था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40 है, उस पुल पे ही जो है 3-4 है, पानी के प्याऊ लगे हैं, एससी का ऑफिस वहां साथ में खुल रहा है, जुडिशियल कंप्लेक्स बिल्कुल साथ में खुल रहा है, मंदिर वहां पे बढ़ने लगा है, लोग वहां पे सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं। मैं देख रहा था एक दिन इतनी बारिश थी तो जो सब लोग जो है उन्हीं रेन शेल्टरों में घुसे हुए थे स्कूटर खड़े करके। अभी हम पंडोगा से त्यूड़ी का पुल बना रहे हैं 52 करोड़ रुपए की लागत से, बीजेपी वाले अपने फेसबुक पे लिख रहे हैं कि ये पुल जो है गडकरी जी ने दिया। अरे गडकरी जी ने दिया लेकिन तुम्हारे ही तो कोई रोल नहीं है इसमें, इसकी घोषणा किसने की थी, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से वायदा किसने किया इलेक्शन में, इसकी डीपीआर किसने बनाई, डीपीआर दिल्ली किसने भेजी, गडकरी जी स्विट्जरलैंड में थे और मैं भी स्विट्जरलैंड में था, मैंने वहां पे उनको फाइल दी, बर्फीली पूरी चोटी पे थे वो, वहां पे मैंने कहा ये हमारा पुल बनना है, और जो हिमाचल का पैसा है, जो हिमाचल की किट्टी है, जो उसमें से ये 52 करोड़ रुपया आप हमें दें, ये हम हिमाचल सरकार ने लिख के दिया है कि आप ये 52 करोड़ इस पुल के लिए जारी कर दें, हमारा पैसा, हमारा वायदा, हम बना रहे हैं, हमने टेंडर किया। लेकिन तभी मैं आपको कहता हूं दूसरे के गोदाम के माल बेचने के अच्छे हैं। यहां पे स्वां की चैनलाइजेशन किसने कराई, 992 करोड़ रुपया दिया हमने, उसका भी किस्सा ही ऐसा ही है। हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन के जा रहे थे, उनको मैंने हवाई अड्डे पे रोका, मैंने कहा हमारी फाइल करके जाओ, उन्होंने कहा मैंने चार्ज छोड़ दिया अब तो मैं मुख्यमंत्री बन के जा रहा हूं। मैं कहा पहाड़ी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के जा रहे हो लेकिन दूसरे पहाड़ी प्रदेश का नुकसान करके जाओगे तो मुकेश अग्निहोत्री जो है आपको पता है प्रचार में तो फिर लगा ही रहेगा। हवाई अड्डे पे फाइल साइन की, तब आज 992 करोड़ रुपया यहां पे स्वांकी चैनलाइजेशन को मिला। हर तरफ आप देख लें विकास किस ढंग से हो रहा है, 500 करोड़ रुपया अकेला पानी पे खर्च हो रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 500 करोड़ रुपया जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी की इतनी दिक्कत थी, आपको मालूम है कितनी दिक्कत रही कि लोग घड़े लेके जाते थे, नलका नहीं होता था, एक कुएं से पानी लेके आए, अगर किसी एक का घड़ा टूट जाता था तो बाकी सब लोग उसको एक एक लोटा पानी का देते थे जाके घर पे कि अब वापस द्वारा नहीं जाया जा सकता। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज जो है 150 ट्यूबवेल लग चुके हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीत एरिया इरिगेशन स्कीम पार्ट 1 बन के तैयार हो गया, पार्ट 2 जो है 75 करोड़ रुपए का बन रहा है, टैंक बन रहे हैं अभी 50 लाख लीटर का टैंक जो है पोड़िया में बन रहा है, 25 लाख लीटर का दुलैड में बन रहा है, 25 लाख लीटर का ओवरहेड टैंक जो है अमराली में बन रहा है, हर गांव में जहां भी आप कह रहे हैं 70 टैंक बन रहे हैं इस समय, कहीं भी नालियां डालनी है, पाइपें डालनी है, होदियां लगानी है। हम कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट बसपा आप बाप किसी में विश्वास नहीं करते, हम कहते हैं कि वो नगरोली से बाथरी के बीच का आदमी है उसको जो है सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए इतने बड़े पैमाने पे पैसा खर्चा जा रहा है। 100 करोड़ रुपए की अभी सड़कें हमने मंजूर की हैं,
100 करोड़ रुपए की। आज भी अगर आप ईसपुर से पंजावर की तरफ जा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे सड़कें कैसे काली हो रही है। अगर आप पालकवा से ओड़ियां जा रहे हो तब भी आप देख रहे होंगे कि सड़कें कैसे बन रही हैं। अगर आप लालूवाल से गोंदपुर जा रहे होंगे तब भी आपको पता लग रहा, आपको शानदार सड़कें दी जा रही हैं, पानी के प्रबंध किए जा रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी के एक्सियन का दफ्तर ही नहीं था, अभी हमने एक्सियन पानी वाला बिठाया हरोली में। सड़क के एक्सियन का दफ्तर ही नहीं था, अभी हमने सड़क का एक्सियन जो है हरोली में बिठाया। इलेक्शन के बाद हम जो है एक्सियन बिजली वाला भी बिठा देंगे। तीनों एक्सियन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठ जाएंगे, पूरे जीवन भर का आराम हो गया। एसडीएम आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठ गया, डीएसपी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठ गया, दो थानेदार आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठ गए, पशुओं का अस्पताल हो गया, इंसान को एम्बुलेंस नहीं मिलती, यहां पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस दे दी, अल्ट्रासाउंड दे दिया पशुओं के लिए। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, तहसीलें आपकी, एक उप तहसील होती थी अब एक तहसील है और दो उप तहसीलें हैं, मंदिर बन रहे हैं लगातार। कल मैं रात को 12 बजे मैं दमामिया के मंदिर में गया था ईसपुर में। जो लोग ईसपुर के रहने वाले हैं वो समझ सकते हैं, या जो उस मंदिर में आस्था रखते हैं उनको मालूम होगा। क्या दमामिया में कभी बिजली पहुंचनी थी? क्या दमामिया में कभी सड़क पहुंचनी थी? सिर्फ एक मंदिर है, बीच में कोई घर नहीं है, लवाना माजरा से आगे कोई घर नहीं है, लेकिन मंदिर को जो है कितने पुल बन रहे हैं, कितने डंगे लग रहे हैं, किस ढंग से वो आस्था का केंद्र बन रहा है। और उसके शुरुआत में ही शीतला माता का मंदिर 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। शीतला माता टू दमामिया पूरा धार्मिक सर्किट बन जाएगा, पूरा धार्मिक सर्किट बन जाएगा, जो लोग वहां जाते हैं। 7 करोड़ की वो सड़क बन रही है, 3 करोड़ का मंदिर बन रहा है। श्री गुरु रविदास महाराज के बरसाड़ी के मंदिर को हमने 50 लाख रुपए दे दिए, 25 लाख रुपया हमने श्लोक के श्री गुरु रविदास मंदिर को दे दिए, दुल्हेड़ के श्री गुरु रविदास मंदिर को 25 लाख रुपया दे दिए, बाबा नैना मंदिर कांगड़ है उसको 25 लाख रुपए दे दिए, बाबा सिद्ध जलंधरी गोंदपुर का है उसको 25 लाख रुपया दे दिया, यहाँ कुटिया है श्लोक की उसको 10 लाख रुपया दे दिया, बाबा बाल जी का मंदिर है 25 लाख रुपया उसको दे दिया, बनोड़े महादेव है 25 लाख रुपया उसको दे दिया। और फिर हम सनातनी नहीं है, हमारी आस्था नहीं है, इनकी आस्था है, इनको डाल दो मंदिर के नाम पे वोट। काम हम कर रहे हैं, माता चिंतपूर्णी का मंदिर 125 करोड़ रुपए की लागत से हम बना रहे हैं, हम सनातनी नहीं है, हम श्रद्धालु नहीं है, हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, इनकी श्रद्धा है। दोस्तों इन्होंने यहां कुछ नहीं करना है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे, 5 साल के बाद एक बार आएंगे वोट मांगने आएंगे, कोई ना कोई परिस्थिति का हवाला दे देंगे, कभी कहेंगे मोदी जी के नाम का दे दो, कभी कहेंगे मंदिर का नाम को दे दो, कभी कोई और बहाना लेके आ जाएंगे। ये गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, ये कुछ भी वोट हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है, आपकी पहचान मुकेश अग्निहोत्री के साथ है, आपको जो मिलेगा मुकेश अग्निहोत्री से मिलेगा, आपके बच्चे की फीस देनी होगी तब भी मुकेश अग्निहोत्री देगा, और अगर आपका बच्चा नौकरी लगना होगा तब भी मुकेश अग्निहोत्री। दो दिन के लिए बहका के आपके वोट ले जा सकते हैं, 2 दिन बहकाएंगे आपको, लेकिन काम ये किसी के नहीं आएंगे। आपने हमें पहले इलेक्शन में 16,000 वोट डाले, दूसरे में 22,000 वोट डाले, तीसरे में 27,000 वोट डाले, चौथे में 35,000 वोट डाले, पांचवे में 40,000 वोट डाले, इसलिए हम आपके ऋणी हैं। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि अब जैसे 20 से 30 के बीच में इनकी टोलियां आनी शुरू हो जाएंगी, कोई कहेगा मैं बजरंग दल का हूं, कोई कहेगा मैं फलां दल का हूं, मैं विस्तारक हूं, मैं फलां से हूं, मैं फलां जगह से आया हूं,
किसी की रिश्तेदारी ढूंढेंगे, कुछ करेंगे, कोई किसी के काम नहीं आने वाला। जैसे आस्था जी ने कहा, हम ही हैं एक दूसरे के सुख दुख के साथी। आप मेरे दुख के साथी, मेरे मातम में आपने जो भूमिका निभाई है, और हमारी जो यथा योग्यता है, जितनी ताकत है, हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरे लुक बदल देंगे आपके सामने। जैसे रेन शेल्टर बन रहे हैं, जैसे पानी के प्याऊ बन रहे हैं, जैसे पार्क बन रहे हैं, जिस ढंग से चौक बन रहे हैं, ये यहाँ पे बाहर हमने में अपने सेना के लोगों को सलाम करने के लिए मिलिट्री का टैंक स्थापित किया। ये टैंक हमने मिलिट्री कमांडर से आग्रह किया कि हमें दिया जाए। बाथरी से हमारे मिलिट्री में है, उनसे हमने मदद ली। 2-2.5 दिन वहां पे खड़ा रहा टैंक, लेकिन 2.5 लाख रुपए चाहिए थे उसको उस पे चढ़ाने के लिए, किसी ने नहीं दिए। मैं बाहर था, जैसे मेरे को पता लगा, मैं आया, मैंने उसको 2.5 लाख रुपए दिए, तब जाके वो उस पे चढ़ा टैंक। हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, और हमने कह दिया, दिल्ली में हवाएं बदल चुकी हैं, दिल्ली में जैसे ही सरकार बनेगी, ये 4 साल वाला अग्निवीर खत्म किया जाएगा। मिलिट्री में परमानेंट नौकरी का प्रावधान हमें करना है। ये बच्चों से धोखा है, जो 4 साल की नौकरी, हम तो कह रहे हैं कि जब तक जीवन है उसको जो है पेंशन मिलनी चाहिए, ये कह रहे हैं कि 4 साल में वापस आ जाए। अभी हमारे पुलिस के जवान है, इनको राशन मनी मिलती थी पता नहीं कितनी, 100-150 रुपया, अभी हमने वो राशन मनी बढ़ा के 1000 रुपया कर दी। किसी ने नहीं सोचा कि पुलिस के लोग 100 रुपए में 150 रुपए में क्या राशन खरीदेंगे। एक मुश्त हमने 1000 रुपया की। ट्रांसपोर्ट के लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी 1 तारीख को, अब कोई ट्रांसपोर्ट का HRTC का कोई कर्मचारी कह दे कि 1 तारीख को उसको तनख्वाह ना मिली हो, 1 तारीख को उसको पेंशन ना मिली हो, साथ में महंगाई भत्ता ना मिला हो। कोशिश है हमारी, जहां से हरोली शुरू होती वहीं से आपको बदलाव नजर आना शुरू हो जाएगा, पूरा बदलाव आपको नजर आएगा। हमारी कोशिश है कि वो सारी फैसिलिटीज आपको मिले। अभी हमने हरोली का सिविल अस्पताल 50 बेड से 100 बेड कर दिया। अभी मेरे को कोई फोटो डाल रहा था, जो 2 एम्बुलेंस मैंने विधायक निधि से दी थी, मुझे दिखा रहे थे कि वो नई एम्बुलेंसें जो है किस ढंग से इन्होंने सिविल अस्पताल वालों ने क्या फटे हाल में रखी हुई है। हमने लोगों के लिए ये एम्बुलेंसें दी थी, चुनाव के बाद जो है ये दोनों हरोली अस्पताल में जाएंगे। अब फुल्ली लोडेड एम्बुलेंसें हम यहां पे उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाए हरोली में, 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमने अभी तैनात किए। स्लो में PSC बन रही है, बालियाल में PSC बन रही है, अब गोदपुर जयचंद में PSC बन रही है, कुठार भीत की PSC लगभग बन के तैयार हो गई है, CHC बीटन में हो गया, CHC कुंगड़त में हो गया, CHC दुलैड में हो गया। अब चुनाव के बाद हम PSC पंजावर का दर्जा बढ़ा के उसको CHC में बदलेंगे। खड का PSC आप देखें क्या खूबसूरत तरीके से बना के हमने तैयार किया है। किसी भी गांव में आप चले जाओ, हम संतुलित विकास के पक्षधर हैं, लेकिन ये जो 2 बातें हैं, इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरी देनी थी 10 साल में, बता दें यहां कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी अदारे में कोई व्यक्ति लगाओ, आपका भी कोई हिस्सा बढ़ता होगा क्या? नौकरियां देने का जिम्मा क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही है? इतना बड़ी सरकार चला रहे हैं, 20 करोड़ का वायदा करके आप बताएं कि किसको नौकरी दी?
मुकेश अग्निहोत्री कम से कम 2,500 लोगों की लिस्ट जारी कर सकता है कि उसने नौकरी दी है यहां, और नौकरियां हम देंगे, डटके देंगे, बेखटक देंगे, किसी के कहने पे हम रुकने नहीं वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं मुकेश ने हरोली के लोगों को नौकरियां दे दी, तो मुकेश को विधानसभा की चौखट भी तो हरोली के लोगों ने पार करवाई, एक बरन बार नहीं, लगातार 25 साल से करवा रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा लोग मुख्यमंत्री घोषित हो गए लेकिन इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके हलके ने साथ नहीं दिया, और आप तो सब यहाँ पे बैठे हैं, आप तो सब लोग लगातार 25 साल से साथ चले हुए हैं। जब मैंने एमएलए के लिए पहली दफा मुझे टिकट मिला था, 21 लोगों ने टिकट मांगा था, लेकिन उसके बाद 25 साल में किसी ने टिकट नहीं मांगा, सब मेरे साथ भरवाने गए हैं, पर्चा भरवाने। और ये भी एक रिकॉर्ड होगा हिंदुस्तान में कि एक व्यक्ति जिसने कभी भी कोई टिकट नहीं मांगा उसको हर बार टिकट मिला, और आपके सामने इस दफा तो आस्था जी को भी पेशकश हुई और लोकसभा की भी हुई, विधानसभा की भी हुई, लेकिन हमारी कमिटमेंट राजादा जी से हो चुकी थी और हम वचन के पक्के हैं। जब हमने उनको वायदा कर दिया था कि लोकसभा के लिए हम आपके साथ हैं, तो कोई भी पेशकश जो है हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हमने कहा नहीं, हम राजादा जी को एमपी बनाएंगे। आज उनकी धर्मपत्नी जो है यहाँ हमारी सभा में आई हुई है, उनकी जगह हाजिरी लगा रही हैं। आप इनकी हाजिरी कबूल करें, इनकी हाजिरी आप कबूल करें, और ऊना के लोग एक प्रण लें, सब लोग इकट्ठा होके अपना एमपी बनाना है। इकट्ठे हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ और एमपी बनाओ ऊना का। इस बार कुछ नहीं मिल रहा कहीं भी आपको, कोई नहीं दे रहा है। हमारे सांसद महोदय राहुल जी को गाली देते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उनकी सारी जो है राजनीति यही है कि राहुल जी को गाली दो, इसके अलावा कुछ नहीं है। विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कल्याण का कोई एजेंडा नहीं है, गरीब की सेवा का कोई एजेंडा नहीं है। और आप देखें, मैं देखा पिछले कल दुलहड़ के पता नहीं कितने के लोग जो थे बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में रात को शामिल हो गए, सब लोग आए हुए थे, एक पूरी तरह स्वागत चल गया, पूरा गांव एक तरफ हो गया कि हम सब इकट्ठे हैं, हमें मालूम है कि आप ही करते हैं और आप ही करेंगे। और ये हकीकत भी है कि अगले 45 महीने भी हमने ही करना है, कुछ लोग अभी करेंगे जब इलेक्शन आता है, कुछ लोग हैं जब भी इलेक्शन आएगा वो उनका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, इलेक्शन गया नहीं तो फिर पहली कुर्सी। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आम आदमी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे आम आदमी आके काम करवा सकता है, गरीब आदमी आके काम करवा सकता है। पता नहीं कितने की आंगनवाड़ी हमने लगाई, पता नहीं कितने का जो है आशा वर्कर्स हमने लगाई, सब भर्तियां हमारे हाथ की हुई हैं और आगे को भी होनी है, एजेंडा ही हमारा है। और उन युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूं जिसने मुकेश अग्निहोत्री को एक पानी का गिलास भी पिलाया है या एक हार भी गले में डाला है, उसका कर्जा चुकता किया जाएगा, उसका कर्जा चुकता किया जाएगा। कई लोग आ रहे हैं, तेरा बेटा नहीं लगा, अरे 166 लगे, वो किसी के तो बच्चे हैं, और तैने तो देनी नहीं उसको नौकरी, उसको भी तो जून जुलाई में मुकेश अग्निहोत्री ने देनी, और आगे भी मुकेश अग्निहोत्री ने देनी। तो इसलिए फैक्ट्रियां लगाई तो हमने लगाई, यहां पे यहां क्रीमिका के कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये फैक्ट्री किसने लाई क्रीमिका यहां पे, यहां पे बैठे कुछ लोग राजनीतियां कर रहे हैं कि यहां पे हम बीएमएस की यूनियन चलाएंगे, क्या चलाओगे, तुम्हारा क्या योगदान है इसमें, टालियाल के इंडस्ट्रियल एरिया चलाने में आपका क्या योगदान है, एक राकेश कौशल की चक्की होती थी जब मैं आया था, आज इंडस्ट्रियां कैसे लगी हैं, आज पंडोका का इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बनके तैयार हुआ है,
कोशिश हम कर रहे हैं, किसी का दिल का इलाज हो, किसी का किडनी का इलाज हो, किसी का लंग्स का इलाज हो, कोई बड़ा इलाज हमने छोड़ा नहीं। और हालांकि मैं तो उस बात का पक्षधर हूं कि हिंदुस्तान में शिक्षा भी मुफ्त होनी चाहिए और इलाज भी मुफ्त होना चाहिए, वहां तक हमें पहुंचना है। अभी हमारे इलेक्शन में मैनिफेस्टो में वायदा भी है कि 25 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाए। किसानों के साथ भाजपा ने क्या किया, 600 किसान बॉर्डर पे मार दिए जब वो न्यूनतम मूल्य की मांग कर रहे थे। हर किसान को का खून खोलना चाहिए। ये जितने भी मसले हैं, मैं अभी गया था रायबरेली में राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब प्रचार करने के लिए, प्रचंड लहर चल रही है, जिससे पूछ लो। राहुल जी 5 दफा, सोनिया जी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रही, इंदिरा जी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रही, 100 साल का उनका जुड़ाव गांधी फैमिली से है, तो 25 साल का जुड़ाव तो हमारा भी आपसे हो गया। 25 साल से हम भी आपके आपके बीच में हैं। जितनी बार इलेक्शन हुए, मैं आपको सच्चाई से कहता हूं, लोग चुनाव आ जाते हैं, पता नहीं टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं, डरना शुरू हो जाते हैं, बार बार टॉयलेट जाना शुरू कर देते हैं। हमें 25 साल में एक भी बार डर नहीं लगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके रहते हुए। चुनाव आया, हम निकल पड़े आपके बीच में, आपने चुनाव लड़ दिया। वो लोग हैं आप जिसकी वजह से हम छाती फुलाए जो है, सीना ठोक के जो है पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। पीछे आपकी ताकत है। तो इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा लंबा हम खींचना नहीं चाहते। हालांकि हमारे जिला के प्रधान राणा रणजीत सिंह जी बैठे हैं, बिट्टू जी हमारे ब्लॉक के प्रधान बैठे हैं, दूसरे नेतागण धीरज जी बैठे हैं, हमारे को इंचार्ज बैठे हैं यहाँ पे, हमारे हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राघव जी बैठे हैं, कितने लोग यहाँ पे प्रभारी बैठे हैं, जितने भी और पिछले रो में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे लीडर बैठे हैं। लेकिन चुनाव की रैली है, हम बहुत लंबी खींचना नहीं चाहते। लेकिन आपसे इसी आग्रह के साथ कि जिन्होंने 20 करोड़ नौकरियां देने का झूठ बोला, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार तोड़ने की कोशिश की, ऐसे लोगों के खिलाफ आपका आक्रोश वोट के माध्यम से निकल जाना चाहिए। और 20 दिन के बाद फिर आप और हम ही हैं, कोई नहीं है तीसरा बीच में, आप और हम ही हैं। और ये ऐसा पॉलिटिकल सेटअप है, लोग भाग के बताते हैं कि फला आदमी जो आप बूथ पे नहीं आया, फला आदमी जो है इस दफा जो है कुछ टेढ़ा लग रहा था। भाई अगले 45 महीने सीधे रखने हैं तो सारे सीधे रहो, सारे सारे लोग जो है सीधे होके। कांग्रेस के प्रत्याशी जो है सतपाल रजादा जी को वोट डालो और उनको डाला हुआ वोट मुझे प्राप्त होगा। आपकी हर वोट का अधिकारी मुकेश अग्निहोत्री, और आपके हर काम का जिम्मेवार मुकेश अग्निहोत्री, आपके विकास का जिम्मेवार मुकेश अग्निहोत्री, आपके कल्याण का जिम्मेवार मुकेश अग्निहोत्री, गरीब की सेवा का जिम्मेवार मुकेश अग्निहोत्री, आपका सुख दुख का साथी मुकेश अग्निहोत्री। तो फिर बीच में जो है ऊंच नीच करने का प्रयास मत करना कोई भी आदमी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं जो ये कह रहे हैं नीचे की वोट आपकी, और जो बेईमानी करके जो कहते हैं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वोट मुकेश का नहीं है, ये वोट मेरा है और मेरा ही है। मैं आपको बोल रहा हूं, इस वोट का अधिकारी मुकेश अग्निहोत्री है और आपने हमें वोट देने हैं। गांव गांव गलियां गलियां जितने भी दूर तक आप लोग बैठे हुए हैं, बाहर छाओं में बैठे हुए हैं, आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि किसी के फरेब में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के झूठ में नहीं आना है। मीटिंग हो या ना हो, लेकिन
झंडे लगाने से जो है कोई वोट नहीं पड़ जाता। मैं देखता हूं कुछ लोग जोर जबरदस्ती दुकानों पे झंडे लगा रहे हैं। अरे हम देखते आए हैं 25 साल में झंडा किसी का और वोट किसी का। बहुत लोगों के घरों पे झंडे लगे लेकिन नीचे जो है मुकेश अग्निहोत्री सामने आता है। तभी हम 40,000 वोट पे पहुंचे इस दफा, जबकि इन्होंने तो प्रधानमंत्री की रैलियां करा ली, योगी जी की करा ली, स्मृति ईरानी की करा ली, हेमा मालिनी की करा ली, सब करा ली, लेकिन इन सब से ऊपर कौन है? हरोली की जनता सबसे ऊपर आप लोग हैं। इसलिए खुले दिल से अगले 10 दिन जो है ठोक बजा के लगा दो कांग्रेस पार्टी के लिए, हाथ के निशान के लिए, एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ, एक ललक के साथ, एक मिशन के साथ सतपाल रजादा को वोट डालो। सतपाल रजादा, बस हर तरफ से, हरोली के हर कोने से आवाज आनी चाहिए, हर खेत से आवाज आनी चाहिए, हर दफ्तर से आवाज आनी चाहिए। हमने कभी कर्मचारियों के तबादले की राजनीति नहीं की। कर्मचारी सब सुरक्षित है, कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ जो चाहते हैं वो मिल रहा है। हर चीज जो आप बताते हैं वो हम यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अब हम आपके लिए नहीं, आपके भी बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। जो कष्ट आप लोगों ने देखे, आपको याद होगा कि जब संतोगढ़ में साइकिल पंचर होती थी, जेजों में जाके पंचर लगता था, कंधे पे उठा के लेके जाते थे, वो समय देखा आपके बुजुर्गों ने। घड़ा एक कुएं पे भरा जाता था, 20-20 गांव एक जगह से पानी भरते थे। माँ जो है अंगूठा लगाती थी, उसकी बच्ची आज जज बन के निकल रही है। क्या आपको खुशी नहीं हो रही है कि जिसकी माँ अंगूठा लगाती थी 20 साल पहले और आज उसकी बच्ची जो है जज बन रही है, डॉक्टर बन रही है, लेफ्टिनेंट बन रही है, बीए कर रही है, एमए कर रही है, सारे कॉलेजों में जो है लगभग 1,000 लड़कियां जो है इस समय हर साल ग्रेजुएट होकर निकल रही हैं इन 3 कॉलेजों में से। जिनकी माँ अंगूठा लगाती थी वो 1,000 लड़की कम से कम ग्रेजुएट होकर तो निकल रही है। वो संसाधन हमने यहाँ पे पैदा किए। बिजली की सारी जरूरतें पूरी कर देंगे। जमालपुर से लाइन खींच रहे हैं, उधर नहरिया की लाइन खींच रहे हैं, यहाँ पे लाके 3 फेज की समस्या, दूसरी समस्या आपके घरों में ट्रांसफार्मर्स की समस्या, तारों की समस्या, पोलों की समस्या सारी दूर करने के लिए बिजली पे बड़े पैमाने पे इस बार हम काम प्लानिंग कर रहे हैं। ट्यूबलों को जो है, खेत के ट्यूबलों को इस दफा जनरेटर की बजाय सीधा बिजली मिल जाए, उसके लिए हमने अभी 12 करोड़ रुपए दिए। बीत की बिजली ठीक हो जाए 15 करोड़ रुपए अभी उसके लिए दिए। हर तरफ प्रयास कर रहे हैं। ये सब आपके लिए हो रहा है और आपके जनरेशंस के लिए हो रहा है। इसलिए ये तो 10 दिन का फेज है, चला जाएगा, बात बीच में रह जाएगी। सिर्फ ये कहता हूं मैं आपको, बात बीच में रह जाएगी कि यार ये बंदा जरा सा टेढ़ा हुआ था और कुछ नहीं। इसलिए सब लोग मिलजुल के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक संकल्प लेके सतपाल रजादा जी को वोट डालो और भारी भरकम लीड देके जो है उनको यहां से भेजो। हमारी लीड जो है निर्णायक सिद्ध होगी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। क्या आप सब लोग पीछे तक हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के सतपाल रजादा जी को वोट डालने के लिए सब तैयार हैं? पूरे दिल से तैयार है? एक बार सीटियां बजा दो, सीटियां बजा दो, एक बार कर दो सतपाल रजादा के नाम पे, जोर से और जोर से, पता लग जाना चाहिए शिमला तक सतपाल रजादा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश अग्निहोत्री जी, आपके विचारों के लिए और युवाओं को जोश दिलाने के लिए, क्योंकि आज